कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरे देश के किसान खुश नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी कृषि कानून की वापसी के बाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। शुक्रवार को पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस कार्यालय पर कृषि कानून वापसी की खुशी में कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने इस मौके पर कहा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से ही अन्य दाता लगातार मांग कर रहे थे कि ये काले कृषि कानून को वापस ले जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि भाजपा सरकार कह रही थी कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, जबकि कृषक पिछले एक साल से कह रहे थे कि ये हमारे हित में नहीं है, तो फिर ये किसके हित में थे। उन्होंने कहा कि ये चंद पूंजीपतियों के हित में बनाए गए कृषि कानून थे। मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। प्रारंभ से ही हमारे अन्नदाता ये कह रहे थे कि ये काले कृषि कानून वापस लिया जाना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि ये कृषकों के हित में है। जब कृषक ही कह रहे थे कि ये हमारे हित में नहीं है, तो किसके हित में थे। निश्चित रूप में वो चंद पूंजीपतियों के हित में बनाए गए कानून थे। दूसरा, इतनी देर में ये कानून वापस लिए गए हैं तो इससे ये बात तो साफ है कि ये कानून गलत थे, लेकिन इतने लंबे समय किसानों की जो नुकसानी हुई उसकी भरपाई कौन करेगा। आज ये बात स्वाभाविक रूप से सबके मन में आ रही है, जिसमें हमारे आप जैसे मीडिया के बुद्धिजीवी साथी भी इस बात को कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक फैसला है, कृषकों के हित में उठाया गया फैसला नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन्हें जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, ये सब दिख रहा था कि किसानों के मन में इन कानूनों को लेकर कितना रोष है, कितना आक्रोश है। फिर भी हम तो ये कहेंगे कि इन कृषि कानूनों से संबद्ध रहते हुए जो अन्य मांगें भी हमारे कृषकों ने उठाई हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषकों को देने की बात थी, उसको कानून में दर्जा बनाकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय किया गया वादा है, उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी है, फिर भी ये उस समय लागू नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई बहुत बड़ी कमी थी जिसे पूरा करना जरूरी था। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जय जवान जय किसान की नारेबाजी करते हुए खुशी जताकर एक दूसरे को बधाई दी। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।